तो यहाँ पर लैब टेस्टिंग के लिए IPDs ऑलरेडी पड़े हुए हैं R1 के ऊपर, R2 और R3 जितने भी रूटर्स हैं आपके पास, IP OSPF नेटवर्क, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, और क्या करने के, नॉन ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर भी यही कमांड इंप्लीमेंट करने के। दूसरा इंटरफेस INTS 0/0, R4 के ऊपर INTS 0/0, और R4 के ऊपर भी INTS 0/0। हब एंड स्पोक सबके ऊपर हमने एक कमांड डाल दिया। OSPF इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, राउटर OSPF 10। कभी नेटवर्क अगर आपने टेस्टिंग करनी हो आसानी के लिए, आपको पता है कॉन्सेप्ट, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये जितने भी आपके पास नेटवर्क्स होंगे सब पे इम्प्लीमेंट, अभी तो है ही OSPF का यहाँ पे, तो टेस्टिंग में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये कर दें तो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो गया। रूटर OSPF 10 नेटवर्क 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0, नेबरशिप फाउंड हो जानी चाहिए। याद रहे नेबरशिप फॉर्म क्यों नहीं हो रही है? करनी पड़ी। राउटर OSPF 10 नेटवर्क 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0, नेबर विल नॉट डिस्कवर मैनुअली। यहाँ पे बट ये अगर सिंगल प्रोटोकॉल है तो अपनी पर्सनल टेस्टिंग के लिए ऐसा कर सकते हो, रियल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये तब पॉसिबल है कब एक ही प्रोटोकॉल चल रहा हो तो ठीक है, मगर मल्टीपल प्रोटोकॉल चलेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बाकी पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 0.0.0.0 ये एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है, कभी मल्टीपल इंटरफेस है, एक ही कमांड चलाना है सब पे, उस पर इम्प्लीमेंट करना है। एक ही कमांड चला रहे हो सब पे, उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा इससे। तो नेबर हमें डालना पड़ेगा फ्रॉम दी R1 से, तो R1 से जब नेबर डालेंगे, नेबर 1.1.1.3 एक नेबर है हमारे पास, दूसरा नेबर 4, तीसरा आपके पास 5। वेट करें, शो IP OSPF नेबर, नेबर थोड़ा देर से डिस्कवर होंगे क्योंकि यहाँ पे ओके नॉन ब्रॉडकास्ट। तो याद रखना है कि जब भी NBMA का वर्ड यूज होगा, नेबर डिस्कवर नहीं होती ऑटोमेटिकली। जैसे पहला क्या था, NBMA डिफॉल्ट, नेबर डिस्कवर नहीं हुए थे, डालने पड़े थे। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेबर खुद डिस्कवर हो जाते हैं, बट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के साथ जब NBMA पड़ गया तो नेबर फिर डिस्कवर नहीं होंगे। NBMA डिफॉल्ट के अंदर DR BDR बन रहे थे, जहां जहां पर P का वर्ड आ जाए पॉइंट टू DR BDR नहीं बनेंगे। मोटा मोटा याद रखना है, जहां पर पॉइंट टू आ गए पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट DR BDR विल नॉट रिलेवेंट। जहां NBMA आ जाए सेपरेट, वहां DR BDR बनते हैं। बट अगर कहीं पर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी आ जाए विद NBMA भी आ जाए तो DR BDR नहीं बनेंगे, बट नेबर विल नॉट डिस्कवर ऑटोमेटिकली, ये शर्त कॉमन रहेगी। तो NBMA में नेबर डिस्कवर नहीं होते, और सेपरेट अगर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है तब भी DR BDR नहीं बनते, किसी के साथ है तब भी DR BDR नहीं बनते, ओनली सेपरेट NBMA टाइप है तब DR BDR बनते हैं। तो ये रही हमारे पास दूसरा। यहाँ से अगर हम देखना चाहते हैं, ये भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो गए आपके पास, यहाँ से पिंग करना चाहेंगे ये भी सारी कनेक्टिविटी मौजूद होगी, जैसे पहले टेस्ट करके दिखाया था। ये पिंग कर रहा होगा, ये इधर P50 को ही पिंग कर रहा होगा, अभी भी ट्रैफिक जब भी जाएगा हमारे पास, यानी यहाँ से R3 से करना चाहेंगे ट्रेस राउट किसी को, 50.1.1.5 जाने का रास्ता हो जाए वायरस की। तो OSPF की हमने ये वाली नेटवर्क भी टेस्ट कर ली, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर भी हेलो और वो टेस्ट करते हुए चलते हैं, शो IP OSPF इंटरफेस। यहाँ पे भी हेलो कितना, 30 और डेड 120।
और वैक्सीन्स।